मेरी ओर से आप लोगों को प्रणाम। जो घर के अंदर मोर के फंग रखना बहुत जरूरी बात है। थोड़ा बहुत लोग बोलते हैं कि घर के अंदर जो मोर का फंक नहीं लगना, ये गलत है। क्योंकि जो जिस घर में मोर का फंक रहता है वहाँ पे घर में शांति बना रहता। मोर का फंक हम जब देखते हमारा माइंड चेंज होता। मोर का फंक खराब नहीं है, मोर का फंक बहुत अच्छा है। श्री कृष्ण परमात्मा के ऊपर भगवान ने उसके ऊपर सिर के ऊपर रख लिए थे। घर के ऊपर, घर के अंदर रखे हम था, घर के अंदर तो रखेंगे हम। भगवान के सिर के ऊपर है तो सोचिए जरा, जो भी जगत में करे, जगत में करे वो लोगों के वास्ते करे, गलत क्या करे। सिर के ऊपर लगाए उन्होंने लगा तो हम घर के अंदर रखेंगे खाली, ये तो सोचो उनको देख के हम करेंगे। घर के अंदर, हर घर के अंदर मोर के फंक रखना जरूरी है। घर के अंदर कोई बच्चों को बुखार आए तो उसके ऊपर फिरना है। अब कौन सा ईशान्य कोने में भगवान का जो स्थान रहता है वो स्थान पे जाली पीले हुए तो झाड़ू से नहीं मारना। कभी भी मोर के फंक के काटा करते ना उससे मारना, इस साधु संबंध में लिखो सो बात है। घर के अंदर झाड़ू मोर फंक रखना मना नहीं, मोर फंक रखना जरूरी है। मोर फंक रखे घर के अंदर। कभी हम रात को सोते समय मोर के पंख सिराने दो तीन रखे तो हमको बहुत नींद बहुत अच्छा आता। बहुत कुछ फायदा है मोर के पंख घर के अंदर रखना जरूरी है। आप घर के अंदर रखिए। प्रणाम।